हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 15 के बारे में, जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रायिकता से रिलेटेड है। और चैप्टर 15 के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, अगर आप किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्लीटली इस कॉन्सेप्ट में से ही पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो ये बात करेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। फिर हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या होता है, किस तरीके की प्रोबेबिलिटीज आती हैं, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे एक थ्योरेटिकल अप्रोच प्रोबेबिलिटी के लिए, क्या वो थ्योरेटिकल अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि हम एक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि प्लेइंग कार्ड के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें प्लेइंग कार्ड के बारे में नहीं पता होता है कि कितने क्वीन होते हैं, कितने स्पैड होते हैं, ये नहीं पता होता है उन्हें। इसके अलावा हम बात करेंगे एक जनरल फॉर्म, जो प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स है जो हमें अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कॉइन है, अब उस कॉइन को अगर आप उसको टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है क्या होगा। इसी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, जो एक अनसर्टेनिटी की डिग्री को कैलकुलेट करता है, एक एजम्पशन देता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बेसिस पे फोरकास्टिंग की जाती है कि आज क्या होने वाला है, वो हमारे जो मौसम विभाग है वो हमें बताता है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें समझ आ चुकी है प्रोबेबिलिटी के बारे में, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अगर कोई पूछता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट फाउंड रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व द आउटकम्स। जब हम किसी भी चीज को रिपीट करते हैं बार बार, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि अब एक हमारे पास एक डाइस रखी है, राइट। अब इस डाइस में आपको पता है कि 6 फेसेस होते हैं जिसके अंदर नंबर्स लगे होते हैं, 1, ये 2, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये लूडो के अंदर होता है, अगर मैं 6 टाइम करूंगा तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हो सकते हैं कि एक बार 1 आए, एक बार 2 आए, एक बार 3 आए, एक बार 4 आए, एक बार 5 आए, एक बार 6 आए। ये हम जब ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या उसके आउटकम्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपना एक्सपीरियंस, अपना जजमेंट देते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये केवल और केवल जब ही पॉसिबल है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो उस एक्सपेरिमेंट को बार बार। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इवेंट में से हम माइनस करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी बार आया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी बार हुए। आगे फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे, राइट। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था डाइस वाला एग्जांपल, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। एक कॉइन है, एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया है, इसमें 7 टाइम क्या आया है, हेड आया है, और 3 टाइम क्या आया है, टेल आया है। तो इस तरीके से हम अपना एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज के अंदर, राइट। अब जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी बार चीजें हमें समझ आएगी कि क्या चीजें होती हैं। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करी, लेकिन अब हम बात करते हैं एक थ्योरेटिकल अप्रोच कि थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। देखिए, अगर हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज है, अब इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये डाइस है और डाइस में अगर मैंने पूछा आपसे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 7 कभी आ ही नहीं सकता है डाइस में, चाहे एक बार करे, चाहे 10 बार करे, चाहे कितनी बार भी रिपीट करे, वो आ नहीं सकता। अब हेड टेल में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किसी कॉइन में हेड टेल एक साथ आ सकता है, एक कॉइन में नहीं आ सकता है, राइट। अगर कहीं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल, और जिसमें श्योरिटी रहती है उसको हम कहते हैं सर्टन, राइट। अब जिसमें 5 में से 4 चांसेस हैं कि यार ये चीज होने वाली, इसको कहते हैं हम लाइकली, लाइक
और फाइव जैसे सिक्स में से वन अगर चांस अगर आपको मिला है तो इसको हम कहते हैं वन लाइकली, हो सकता है कि बहुत रेयर चांसेस है ये क्या चीज हो सकती है। इवन चांसेस कहते हैं जिसमें 50-50% चांसेस होता है, इसको हम कह सकते हैं कि इवन है। मतलब इवन यानी कि कहते हैं ना टॉस को ही क्यों वहां पे कॉइन में आपको देखा जाता है, टॉस में कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, क्योंकि वहां पे इवन चांसेस है, 50-50 चांसेस है दोनों ही टीम के पास कि किसी को हेड आ सकता है किसी को टेल आ सकता है, तो इवन चांसेस को हम 50-50 कहते हैं, राइट। अनलाइकली जिसमें 6 में से कोई एक चीज होने के चांसेस है, सर्टन यानी कि बिल्कुल ज्यादा 100%, अगर एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ ही हेड है तो हम कह सकते हैं सर्टन है 100% ये चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल अप्रोच है हमारी प्रोबेबिलिटी को लेकर के आपके माइंड के अंदर वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और ये आपको नोट डाउन करके रखना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेइंग कार्ड के बारे में जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 52 कार्ड्स होते हैं। अब 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स तो रेड होंगे, 26 ब्लैक होते हैं, केवल अभी कलर की बात हो रही है। अब जो रेड होते हैं उसके अंदर 13 हार्ट होता है, 13 डायमंड होता है। अब आप पूछेंगे हार्ट कैसा होता है डायमंड कैसा होता है, आगे मैं पिक्चर में भी बता दूंगा। और जो 13 होते हैं जो ब्लैक कार्ड उसको क्लब कहा जाता है और इसको स्पेड कहा जाता है, 13 क्लब 13 स्पेड, यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसके अंदर इस कंप्लीट पैकेज के अंदर अगर आप देखेंगे एक एस एक किंग एक क्वीन एक जैक, राइट, और 9 नंबर के कार्ड होते हैं जिसमें 2 3 5 7 5 होता है, 6 होता है 7 होता है 8 होता है 9 होता है और 10 होता है, ये नंबर वाले कार्ड होते हैं। बाकी एक एस होता है एक किंग होता है एक क्वीन होता है एक जैक होता है। अब किस तरीके से किसको क्या कहते हैं ये सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से प्लेइंग कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है क्लब, इसको कहा जाता है क्लब, ये ब्लैक का जो होता है वो क्लब होता है, ये 13 होते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पिक्चर में काफी इजी तरीके से ताकि आप समझ पाओ, ये क्लब हमारा 13 होगा, ये स्पेड हमारा 13 होगा, ये ब्लैक वाले कार्ड की बात करते हैं तो ये 13 और 13 कितने हो गए 26 हो गए। इसी तरीके से ये जो हार्ट है वो हार्ट हमारा 13 होगा और डायमंड भी हमारा कितना होगा 13 होगा, ये रेड में होते हैं तो ये रेड हो गया और ये ब्लैक हो गया हमारा। तो ये चीजें तो आपको ऑलरेडी समझ आ रही होगी कि कार्ड में ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 26 हो गया और ये भी हमारा कितना हो गया 26 हो गया, तो हम कह सकते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। बट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं ये कंप्लीट एक 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 किंग एक क्वीन एक जैक और एक एस भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो प्लेइंग कार्ड के कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा ये पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर और जब हमें यही पता नहीं होता है तो हम एक्सपेरिमेंट को कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी के थ्रू लिख पाएंगे। आपको कम से कम बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, कॉइन के बारे में सबको पता होता है, हेड और टेल होता है, डाइस के बारे में सबको पता होता है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होते हैं उसमें, राइट। प्लेइंग कार्ड के बारे में भी मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे काम करती हैं, राइट। अगर जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए अगर प्रोबेबिलिटी को अगर आप बता रहे हैं तो ये पी होता है ये पी डैश होता है, एक होता है पी डैश एक होता है पी पी ए, राइट, एक पी ए और पी डैश इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको पी ए डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 माइनस पी ए करेंगे। अब ये चीज क्या होती है, एक जैसे मान लीजिए कि हेड का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, टेल का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो किसी कॉइन को अगर एक बार अगर उसको टॉस किया जाए तो हेड अगर आ गया है हम कहेंगे कि ये पी ए हो गया, और जो नहीं आया है नहीं आने को हम डैश से बताते हैं पी नॉट, राइट। तो इस तरीके से आप जो जनरल फॉर्म कह सकते हैं कि जो आया है वो जो नहीं आया है वो, अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो सर्टन सर्टन टास्क बन जाएगा, वो सर्टन कहेंगे कि उसकी 100% प्रोबेबिलिटी वो बन जाएगी, राइट। मैं कहता हूँ कि किसी सिक्के में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, अगर आपका हेड आ गया तो वो पी ए हो गया, एक पी नॉट, राइट, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 एक सर्टनिटी आपको यहाँ पे मिलती है, राइट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जनरल फॉर्म तो आपको समझ आ चुका है और आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होगी, चाहे हमने इस डायग्राम के बारे में बात की हो कि क्लब कितने होते हैं स्पेड कितने होते हैं आठ कितने होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। तो ये सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस की है, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम, एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो पहली बात कि आप इस नंबर पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये जान सकते हैं कि आप लाइव क्लासेस
किस सेशन में कब हो रही है और नया सेशन कब शुरू होने वाला है आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके भी जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।